अच्छा लग रहा है। पता नहीं ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे चिकन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और अभी बज रहा है 8:40। और गुगलू अभी क्या कर रहा है? ब्रेकफास्ट गुगलू अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है। अभी से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और आप सब कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी आज बहुत काम है, नींद आ रहा है बहुत बहुत काम है आज, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मेरे कुछ फ्रेंड आएंगे आज, तो थोड़ा बहुत खाना बनाना है। आज वो मटर के सब्जी बनाऊंगी, जो बंगाली में घुगनी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या खा रहा है गुबलू? सिनेमन रोल कल उसके लिए सिनेमन रोल लेके आई टारगेट से, उसे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है ये सिनेमन रोल। गोचू बोला, गोचू बोला। और आप और क्या करो? गोचू बोल। कल कॉस्को गई थी, ऐसे एंटी स्कीड वाला एक मैट लेके आई, बड़ा वाला, यहाँ पे डालने के लिए, नहीं तो ये वुड ना ख़राब हो रहा है, तो इसीलिए ये फ्लोर ख़राब हो रहा है, थोड़ा स्क्रैचेस आ रहा है शूज़ के वजह से, तो इसीलिए ये वाला खरीद के ली। बहुत अच्छा लगा इसका कलर। अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर, वाह, थोड़ा लाइट कलर का फ्लोर है ना, तो इसीलिए इसके साथ जच रहा है। और एक ले आई, वो मैं वापस कर दूंगी, ये सस्ता भी है उससे, तो मैंने सोचा वो ही लेके आऊँ। एक लेके आई, लेकिन ये ना एंटी स्किड नहीं है, ये बहुत स्लिप हो रहा है, ऐसे स्लिप हो रहा है, तो ये वापस कर दूंगी। और ये थोड़ा सा महंगा भी है, दिखने में अच्छा था, लेकिन ब्लैक वाला दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने ये मटर को ना बॉयल करके रख दिया है यहाँ पे, अभी दिख रहा है, दिखाती हूँ। और नहाने से पहले ही मैंने ये सारे कर लिया, तो जल्दी हो जाएगा। अभी मूंग दाल को बिठाना है, फिश को भी मैरिनेट करना है, दोपहर का भी लंच बनाना है। लंच के लिए सब्जी है, सिर्फ दाल बनाऊँगी और थोड़ा वो नीम बैंगन होता है ना वो बनाऊँगी, बस हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। ये मैंने नमक और हल्दी देकर इसको बॉयल करके रख दिया। ये ना शाम के टाइम खाने में बहुत अच्छा लगता है, घुगनी हम जो बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मूंग दाल के साथ ना, वो जो एकदम फाइन जो आलू का भाजी होता है ना, आलू को थोड़ा डीप फ्राई करके, मतलब एकदम पतला पतला करके उसको काटना पड़ता है, भुजिया जैसा बन जाता है वो तलने के बाद, तो फिर उसे डीप फ्राई करना है। और वो वाला आलू का मतलब हम लोग बंगाली में आलू भाजा बोलते हैं, वो ऐसे दाल के साथ ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब और कुछ चाहिए ही। आज बहुत ठंड है, बहुत ही ठंड है, मतलब -19 दिखा रहा है, पता नहीं रियल फील शायद और भी ज़्यादा होगा। और विंड चल रहा है, चिल्ड एकदम विंड है बहुत, वो 4 o'clock तक चलेगा विंड। मेरा जो बाहर का वेलकम जो बोर्ड है ना, एक वेलकम लिखा हुआ ऐसे मैंने डेकोरेशन के लिए लगा के रखी थी वहाँ पे, वो गिर गया, टूटा नहीं, शुक्र है कि टूटा नहीं वो, अभी उसे जब विंड कम होगा लगा देंगे, क्योंकि आज और कल ठंडा रहेगा, उसके बाद से अभी पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव 15-11 में भी जाएगा, तो बहुत खुश लग रहा है कि, मतलब खुशी खुशी फील हो रहा है कि अभी चलो समर आएगा। जब मैं मिनेसोटा में US में आई थी ना, मैं पहले मिनेसोटा में नहीं थी, मैं मिशिगन में थी, वहाँ पे भी ऐसा ही ठंड है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन वहाँ पे जैसे मैंने समर पे आई, जून पे आई मैं, तब तो समर है यहाँ पे, समर मतलब उतना भी गर्मी नहीं है, लेकिन अच्छा है वेदर, बहुत मतलब प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे।
तो क्या है, तो सारे इतने मजे कर रहे हैं पार्क में। मैं देख रही थी, मैं गोलक को बोल रही थी, इतने मतलब इतना उछल कूद करने का क्या जरूरत है, शामर ही तो है। 1 साल गुजरने के बाद पता चला कि लोग समर में इतना मजे लेते हैं, क्योंकि इतना विंटर के बाद ना, भयानक विंटर के बाद मतलब ऐसा समर आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि एरिका पाम ठीक ठाक है या नहीं। मैंने पहली बार लाई ना, मुझे पता नहीं था इसको मेंटेनेंस के बारे में, तो थोड़ा मॉइस्ट रखने के लिए बोला था, लेकिन मैंने ज़्यादा ही पानी डाल दिया, इसीलिए देख रही थी कि सूख गया या नहीं। तो थोड़ा सा पानी लगेगा, इसीलिए डाल रही हूँ। इसको भी लगेगा शायद पानी भी। हाँ ये भी सूख गया है। ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है, कितना सुंदर है दिखने में ना। बहुत सुंदर है दिखना है, और इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है ना। इसका हालत देखते हैं, जीजी प्लांट, ये अभी खिला है, इसे पानी तो बहुत कम चाहिए। ये अभी थोड़ा सा मॉइस्ट है, बाद में दूंगी और 1-2 दिन के बाद। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें मैंने जीरा, सूखी मिर्च और तेज पत्ता डाल रही हूँ, और दालचीनी और इलायची, ये फोड़न के लिए सारे डाल रही हूँ। अब इसमें चॉप किया हुआ प्याज, प्याज फ्राई हो गया है, अब इसी में ये सारे मसाला डाल दूंगी। इसमें है अदरक है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। अभी ये मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, शुगर ऐड कर रही हूँ, टमाटर ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, अब इसमें इसको थोड़ा सा ढक दूंगी ये जब तक टमाटर मेल्ट ना हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, इससे एक अलग सा फ्लेवर लाते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये भुनना हो गया, अब इसमें मैं मटर सारे ऐड कर दूंगी, फिर उसे ऐसे भूनते रहूँगी। ये भुनना हो गया, अब इसमें पानी डाल दूंगी मैं। ये बाद में गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी से ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, ये पानी में थोड़ा बॉयल होता रहेगा अभी। उर्ली टाइप का है, ये कांच का है, मैं ये आइकिया से लाई थी बहुत दिन पहले, जब नए घर पे आई थी तभी मैं लेके आई थी। $7 का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो
तो ये ऐसे फ्लावर इसके अंदर पानी रख के ऐसे फ्लावर रखने के लिए सोचा था, लेकिन रखा नहीं क्योंकि कहाँ रखूँ, जहाँ पे रख रही हूँ वहाँ पे उतना अच्छे से जच नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने हटा दिया था। तो अभी सोचा जो मेरा कॉन्सोल टेबल है ना उसके ऊपर ये रख दूँ, अच्छा लगेगा ना एंट्रेंस पे, ऐसे फ्लावर थोड़ा वेलकम भी हो जाता है। इसमें पानी ले लिया मैंने अभी, ये फ्लावर ऐसे करके रख दूंगी, अच्छा लगता है ना, ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद है। ये नीचे ना एक एंटी स्किड मैट को मैंने काट के रखा, क्योंकि पानी अगर यहाँ पे लगे रहे ना तो ये खराब हो सकता है, तो इसीलिए मैंने वो रखा है। और उसके ऊपर ये बन गया है। अभी ऐसे ही मैं थोड़ा सा पतला रखूंगी, ये गाढ़ा हो जाएगा। और उसमें मैं एक फ्लेवर लाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने वो भाजा मसाला बोला था ना वही भाजा मसाला ऐड कर रही हूँ। अब बाद में भी ऐड कर सकते हो, मैं अभी ऐड कर रही हूँ। बस ये बन गया, अब मैं गैस ऑफ कर दूँ। गुड इवनिंग, आज है नेक्स्ट डे सैटरडे। कल ना और मैंने ब्लॉग नहीं किया, इतना मतलब काम था कि और टाइम नहीं मिला करने के लिए। और जब फ्रेंड सब आ गए थे ना, वो इतने दिनों बाद आए ना, तो बातें करने लग गई और मतलब ब्लॉग भी नहीं बनाई। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था कि लग रहा था कि बातें ही करूँ, बाद में ये सब करना करूँगी, तो इसीलिए नहीं किया था। तो आज से फिर से मैं ये आज इवनिंग से फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी हम लोग रेडी हो गए, जा रहे हैं। गुबलू के एक फ्रेंड है, उनके घर हमारा इन्विटेशन है, तो जा रहे हैं। गुबलू का मतलब पहले जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे स्कूल में उसका स्कूलमेट था वो, तो वो एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसे ही है उसका। तो आज बुलाया तो जा रही हूँ हम लोग, और जब समर आएगा तब हम भी बुलाएंगे, क्योंकि वो समर के टाइम खेलते हैं ना बच्चे बाहर, तो बहुत एंजॉय करते हैं, तो इसीलिए तब बुलाना है मुझे। तो बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, अच्छा लग रहा है पुराने जगह पे। अभी चाय लेकर बैठी हूँ, आज दूध चाय सुबह मतलब इस इवनिंग पे नहीं पी रही हूँ, थोड़ा गैस हो गया है, तो ऐसे ही ये चाय पी रही हूँ, काली चाय, और उसके साथ ये जीरा वाले बिस्किट। कल घुगनी बहुत अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे, वेदर बहुत अच्छा है। आज से मतलब धीरे धीरे वेदर अच्छे ही होगा, मतलब अच्छे की तरफ ही जा रहा है एकदम। मतलब आज है 1, अभी है 1 डिग्री, अभी आज तो हाईएस्ट जाएगा 7, इसके बाद से अभी बढ़ेगा टेम्परेचर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम। मतलब उतना ठंड नहीं है, हल्का सा ठंडा हवा है, लेकिन उतना भी ठंड नहीं लग रहा है। और देखिए मेरा पूरा ग्रास, अभी स्नो पूरा हट गया, थोड़ा बहुत है वो भी हट जाएगा, क्योंकि आज पॉजिटिव में है ना, 7 डिग्री जाएगा तो अच्छा होगा बहुत, मतलब एकदम मेल्ट हो जाएगा। अभी ग्रास निकल के आएगा ग्रीन ग्रीन। मैं वेट कर रही थी कि कब मैं बाहर आऊँ। आसमान देखिए एकदम नीला नीला आसमान है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैठ रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं दोनों अच्छा लग रहा है धूप एकदम, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हवा है, इसीलिए मैंने कान को ढका, नहीं तो ठंडा लग जाएगा। तरस गए थे हम लोग कब बाहर निकले, ऐसे बैठूंगी बाहर।
लंच का टाइम हो गया है, हम थोड़ा कुछ मतलब हल्का फुल्का ही खा लेंगे, क्योंकि अचानक से प्लान बना है। हमारे जो ऑफिस के ग्रुप है वो आएंगे ऐसे। आज वेदर मैंने बोला ना, बहुत प्लेजेंट वेदर है आज, तो हम बारबेक्यू करेंगे बाहर। तो अभी मैं थोड़ा बहुत, फ्राइडे को फ्रेंड आए थे, मैंने बोला था कि फ्रेंड आने वाले हैं, मैं खाना बना रही हूँ, तो उस दिन मैंने फिश तावा फ्राई किया। वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मैं बाद में करूँगी। तो वही थोड़ा सा फिश बच गया था, अभी मैं वो फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा लंच कर लेंगे, उसके बाद वो सब आ जाएंगे, टू ओ क्लॉक और 3 o'clock तक आ जाएंगे आफ्टरनून, तो तब हम शुरू करेंगे। मैं तो आज वीडियो शूट करूँ, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी लंच कर रहे हैं और थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि बारबेक्यू करते करते थोड़ा लेट होगा, क्योंकि सारे मैरिनेट करना है, बहुत काम है, तो करते करते लेट हो जाएगा। सब थोड़ा बहुत खा के आएंगे और यहाँ पे सिर्फ बारबेक्यू होगा। तो चलिए मैं शुरू कर दिया लंच बनाना, मतलब है दाल है, राइस बना रही हूँ और यहाँ पे फिश तावा फ्राई हो रहा है। यहाँ पे शुरू हो गए गोलक। अरे मेरे ऊपर लगा क्या? शुरू हो गए, अभी ग्रिल अभी चालू हो रहा है। साफ किया है अंदर? अरे साफ करके रखा था लास्ट के, जब काम किया था। टैग हटा दो, टैग हटा दो। एक यहाँ पे आ जाओ अश्री। अरे वाह कितना अच्छा वेदर है अश्री। सब आ गए, धीरे धीरे आ रहे हैं सारे। हाँ, क्योंकि वो सुबह से धूप रहता है ना, एकदम शाम तक। लोग क्या क्या ग्रिल कर रहे हैं वो दिखा रही हूँ, एक मिनट। यहाँ पे चिकन है, पोटैटो है और यहाँ पे कैप्सिकम, पनीर और ऑनियन। ये बंद कर देते हैं। गए अंदर, बाहर थोड़ा सा ठंडा हवा चल रहा है अभी, थोड़ा अभी शाम हो रहा है ना, तो इसीलिए हम अंदर आ गए। गले में कुछ होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं ज्यादा गर्म मत पियो। यहाँ पे उल्टा है, हमारे तो वहाँ पे बोलते हैं जितना गर्म पी पाओगे उतना अच्छा। वीडियो चल रहा है, तो वीडियो चल रहा है। MBA करके अपना एक्टिव प्लस वो पेप्सी और कोक के वो इसमें गैस है, बॉटल प्लस वो है। ये डील में विश्वास नहीं है, फ्राइड का फ्राइड का। अरे क्या मतलब नीचे गिर रहा है? हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। मंजुषा दी चाय बना रही है। तुमने दिया बोलो, मैं क्या बना रही हूँ? मैगी भैया, खतरनाक मैगी बन रहा है एकदम, सौम्या स्पेशल। कौन सा चिली? अच्छा वो वाला, ओके। हाँ हाँ नमक चाहिए भैया? अच्छा देखिए थोड़ा सा ये वाला डालो, आगे पहले होने दो उसके बाद डालो। हाँ देखो क्या मैगी बन रहा है, सब बैठे हैं मैगी के लिए, सारे भूखे वहाँ पे। फ्रेंड्स सब आए थे, सब चले गए, अभी बहुत रात हो चुकी है, तो हम लोग वो लोग जाने के बाद थोड़ा बैठ के मूवी देख रहे थे, अभी रात हो गए तो सोने आ गए।
तो आज के लिए ब्लॉग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे नए फ्रेंड है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।